सुगम खड़ग की धार, नेह निबाहन एक रस, महाकठिन व्यवहार। निभाने से क्या अर्थ है? निभाने से क्या अर्थ है ये समझ जाओगे तो पूरा दोहा ही स्पष्ट हो जाएगा। निभाना और साथ में लिखा एक रस ना, निभाने से क्या अर्थ होता है? जब आप कहते हो निभा रहा हूं तो उसमें क्या आ जाता है? निभाने में क्या आ जाता है? एक तो ये है कि अभी तुमसे प्रेम है और इसको हमने अनुभव किया है बहुत बार, झलक मिली, और एक है कि निभा रहे हैं। कबीर कह रहे हैं निभाना बहुत मुश्किल है, कर्ता भाव तो बहुत आसान है। हाँ तो वहां पे क्या आ गया? साथ रहने में क्या आ गया? हाँ वो एक हो जाने में क्या आ गया? उस कॉन्टिन्यूटी का क्या अर्थ है? टाइम, टाइमलेस नहीं, टाइम। निभाना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि निभाने का अर्थ है कि समय भी है। निभाने का तो कोई अर्थ ही नहीं उठता ना यदि समय ना हो, फिर तो एक ही है। निभाने का अर्थ ही है कि जैसा आज वैसा ही एक रस कल और वैसा ही एक रस परसों। समय की धारा चल रही है पर हम अपनी जगह अडिग हैं। समय की धार बह रही है, हम अडिग हैं। निभा समय में होकर भी, समय का अर्थ ही है संसार। संसार में होकर भी संसार से अनछुए रहना। प्रेम की आहटें तो सबको आती हैं और यदि प्रेम से हम बिल्कुल ही रिक्त होते तो मर गए होते कब के, तो क्षणिक झलक तो सबको मिलती है, निभाना नहीं हो पाता। संवाद होता है तो और हमारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, जब तक बैठते हैं तब तक सब समझ में आया और बात बिल्कुल खुल गई थी और बाहर निकलते ही निभा नहीं पाए। खुद अपने से जो वादा किया था उसको निभा नहीं पाए, खुद को ही जो दिखा था उस पर चल नहीं पाए, स्वयं ही जो समझा था उसको जी नहीं पाए। यह निभाना, समझना तो होता है वर्तमान में अभी डूब करके। निभाने का अर्थ ही है कि अब क्या आ गया? समय आ गया, संसार आ गया, दुनिया भर के प्रभाव आ गए। उन प्रभावों की मौजूदगी में भी हम वही रहेंगे जो उस प्रेम के क्षण में थे, ये अति दुरूह है। इसीलिए कबीर कह रहे हैं महाकठिन व्यवहार, ये बड़ा मुश्किल है। इस कमरे में आप जो हो, आधे घंटे बाद भी यही रह लो, ये महाकठिन है, महाकठिन है। और ये आपने अनुभव करा है, आप जब तक यहां बैठे हो आप कुछ और हो, और एक दो घंटे बाद आप कुछ और हो, निभा नहीं पा रहे, बेवफाई है। पति के सामने कुछ और हैं और दूर हो जाते ही कुछ और हैं, बेवफाई इसी को कहते हैं। एक रास्ता नहीं है, क्या कह रहे हैं कबीर? प्रेम निभावन एक रस, एक रास्ता नहीं है, एक धार नहीं है जीवन, कई कई धारें हैं बिखरी हुई। अक्षुण्ण धारा नहीं है कि अब टूटने नहीं देंगे, बात समझ में आ गई है तो अब जिएंगे इसको, अब दोगलापन नहीं करेंगे, बेवफाई नहीं करेंगे, निभा नहीं पाते हैं हम।
हमारी त्रासदी ये नहीं है कि हमें सत्य कभी दिखा ही नहीं, हमारी त्रासदी ये बिल्कुल नहीं है कि हमें सत्य कभी दिखा नहीं, हमारी त्रासदी ये है कि सब कुछ जानते बूझते भी हम ठोकरें खाते रहते हैं। आप यदि अंधे होते और ठोकर खा खा के गिरते होते तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारी त्रासदी ये है कि हम अंधे हैं नहीं, आंखें हैं और दिखता भी है कि हमारे रास्ते गड़बड़ हैं, पर उसके बाद भी उन्हीं पे चले जाते हैं, गिरते रहते हैं, लहूलुहान हैं, निभा नहीं रहे हैं। किसी और के कहे पे नहीं यदि आप चलते तो बहुत अच्छी बात है, किसी और की दृष्टि का आप यदि अनुकरण नहीं करते हैं बहुत अच्छी बात है। हमारी त्रासदी ये है कि हम उस पर भी नहीं चलते जो हमें दिख गया है, हम देखे हुए को अनदेखा करने पर तुले हैं, कर नहीं सकते क्योंकि जो दिख गया उसको अनदेखा कैसे करोगे, पर कोशिश हमारी पूरी यही है कि जो दिख भी गया है उसको अस्वीकार कर दो। सत्य सम्मुख खड़ा है पर उसकी ओर पीठ कर दो। निभा नहीं रहे हैं। हम्म,